हेलो, हम यहाँ सेमेस्टर एक के लिए जिसका प्रथम गुण और द्वितीय गुण हिंदी है उनके लिए पेपर एक का एक अनेक प्रश्न भिक्षुक कविता का भावार्थ लिखिए अथवा उसके साथ ही हम देखेंगे कि केंद्रवर्ती विचार भावार्थ भी अलग है और केंद्रवर्ती विचार भी अलग है। प्रस्तावना देखेंगे, भावार्थ देखेंगे और केंद्रवर्ती विचार देखेंगे। तो देखते हैं भिक्षुक कविता का भावार्थ। वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पीठ पीठ पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। चल रहा लकुटिया टेक, पुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। यहां प्रस्तुत पद में कवि निराला जी ने कहा है कि एक भिखारी जो को जब वे भीख मांगते देखते हैं तो उसकी दीनहीन दशा को देखकर उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वह अपनी दीनहीन अवस्था को देखकर पछताता है। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है। उसकी पीठ और पेट एक हो गए हैं, यानी कि वह कई दिनों से भूखा है। थोड़े से भोजन के लिए उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं। उसके हाथ में एक फटी पुरानी झोली है जिसे वह सबके सामने फैलाता हुआ भीख मांग रहा है ताकि वह अपना पेट भर सके। यह देखकर कवि का हृदय चीर चीर हो जाता है। यह दरिद्रता को देखकर वह पछताता रहता है। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाई सेवे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। सड़क पर चलते भिखारी के साथ उसकी दो बच्चे भी हैं। वे अपने बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए चल रहे हैं और दाहिने हाथ से आते जाते हुए लोगों से कुछ पाने के लिए हाथ फैलाए मांग रहे हैं। भूख से होंठ सूख गए हैं और वे अपने आंसुओं को जैसे कि पी कर जी रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उन बच्चों की दशा को देखकर किसी को दया नहीं आती और किसी ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। और कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें किसी भी देखा नहीं, उन पर किसी ने भी दया नहीं दिखाई, उनको कुछ खाने के लिए किसी ने नहीं दिया। अतः उनकी दशा देखकर कवि द्रवित हो जाते हैं, चाट रहे। अब उनकी जो परिस्थिति है उनका यहाँ पर भी उन्होंने वर्णन किया है। आगे की पंक्तियों में भी उन्होंने उनकी परिस्थिति का वर्णन किया और आगे भी उनकी परिस्थिति का वर्णन करते हुए वह लिख रहे हैं कि चाट रहे झूठी पतल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे जूठी पतल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे
हो सकोगे तुम? तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। भूख से व्याकुल भिखारी और उसके दोनों बच्चे जब मार्ग से गुजरते हैं तो सड़क के किनारे झूठी पतलों को देखकर उनसे रहा नहीं जाता है और वे अपनी भूख को मिटाने के लिए सड़क पर पड़े हुए उन्हीं झूठी पतलों को चाटने लगते हैं। वे भी गली के कुत्ते के साथ झूठी पतलों को चाटने के लिए लड़ने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे उनका भाग्य भी उनसे रूठ गया हो और ये झूठी पतल जो भी चाट रहे थे वे भी वहाँ पर भी कुत्ते आ गए उनमें हिस्सा करने के लिए और वे भी कुत्ते से यह झूठी पतलों में पड़ा हुआ खाना खाने के लिए जैसे कि लड़ने लगे। कवि यह देखकर और द्रवित हो जाते हैं। कवि का हृदय इस बात के लिए चिंतित हो जाता है कि वह उनके दुख दर्द को बांटेगा और इनका दुख दूर करेगा, यानी कि कौन इनका दुख दूर करेगा और उनके दर्द को बांटेगा। तो कवि यह सोचते हैं कि मैं अभिमन्यु की जैसे तुम्हारे दुख दर्द सह ले लूँगा, ऐसा वे कहते हैं कि वे ऐसा करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस कविता का मूल भाव यानी कि केंद्रीय भाव क्या है। तो भिक्षुक कविता महाप्राण निराला जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि एक भिखारी और उसके दो बच्चों को की दयनीय अवस्था का चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं। भिखारी से पेट और पीठ भूखमरी के कारण एक हो गए हैं। भिखारी के जो पेट और पीठ है वे ऐसे एक हो गए हैं कि जैसे वे सब एक ही लगते हो। पेट और पीठ दोनों अलग दिखाई नहीं देते और यह उसकी परिस्थिति जो हुई है वह कई दिनों से खाना नहीं खाने के कारण हुई है, भूखमरी के कारण हुई है। वे अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगते रहते हैं, सड़क पर चलते हुए झूठी पतलों को भी चाटते रहते हैं और जिससे उन्हें कुत्तों से भी छीना झपटी करनी पड़ती है। भिक्षुक की दीनता को देखकर कवि उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। यह उसका केंद्रीय वर्ती भाव था। यहाँ पर यह प्रश्न पूर्ण हुआ।